गुरुदेव, आपने कहा कि भगवान विष्णु से शुरू हुआ सनातन, तो इसको थोड़ा और विस्तार से बताएं कि विष्णु जी से सनातन की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, ब्रह्मा जी जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया वो भी भगवान विष्णु के नाभि से उत्पन्न हुए, पैदा हुए। और हमारे जो भगवान विष्णु हैं वो पूरे संसार का पालन करने वाले। तो जब आप किसी चीज को बनाते हैं, उसको संवारते हैं, उसको चलाते हैं, तो उसकी एक पद्धति होती है कि ये कैसे चलेगा, ये कैसे रहेगा। एक छोटा सा आपको उदाहरण दो कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाई तो उन्होंने देखा कि मेरे बच्चे बहुत दुखी हैं। तब उन्होंने तीर्थों का, व्रत उपास इन सब का आविष्कार किया कि इससे मेरे बच्चों को शांति मिलेगी। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि इससे भी पूर्ण शांति नहीं, दुख की निवृत्ति इससे भी नहीं हो रही। तब ब्रह्मा जी ने ज्ञान की उत्पत्ति की कि ज्ञान ही एकमात्र है जो दुख से आपको मुक्त कर सकता है, सांसारिक दुख से मुक्त कर सकता है, और उसी का नाम सनातन है।